रीवा का जो ये हॉस्पिटल है एक टॉप मोस्ट हॉस्पिटल, इससे अच्छा ट्रीटमेंट मेडिसिन का दूसरे हॉस्पिटल में कहीं नहीं। किसी नर्सिंग होम में होता है, कोई डॉक्टर करता है ना। अब ये लोग बाग जो हैं, जब कहीं भी क्योंकि भी नया खुला है तो तरह तरह के लोग भले कुछ कमेंट्स करते हैं, लेकिन इससे अच्छी फैसिलिटीज इतना रीवा में हो सकती है, समझ गए। सबसे अच्छी फैसिलिटी इसी लोग ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर सीरीज से अच्छे डॉक्टर आपको यहाँ नहीं मिले रीवा में कोई भी। उदाहरण के लिए वो जो थानेदार था जिसको भी गोली लगी थी, वो शर्मा, शर्मा ने खुद ही सजेस्ट किया था, उसमें बहुत बात कर रहे थे शर्मा जी कि हमको ले चलो वहाँ, ले चलना बाकी और जो सिपाही है कहीं दूसरी जगह ले जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ ले। और यही ठीक हुआ, आज भी उस हॉस्पिटल से मोबिलाइज है कि हमारी ज़िंदगी बच गई है। जो वहाँ से ऑपरेशन करने भोपाल से डॉक्टर आया था तो उसने कहा था कि हमको इस तरह का वो चाहिए ओटी, तभी हम ऑपरेशन कर पाएंगे, इसमें कौन सी टार्च होनी चाहिए, एक स्पेशल टार्च होती है, ऐसा कहा। और तो रीवा में कहीं नहीं थी, उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ है, उसने कहा मैं एकदम सफल हो जाऊँगा यहाँ पर, ये बताएं है। और इसी तरह से जो डॉक्टर धर्मेश है वो भी बहुत ही बच्चों का सबसे अच्छा डॉक्टर है। अमर पाटन का एक केस था बिगड़ा हुआ कटनी जबलपुर का, तो यहाँ ठीक हुआ है, तो वो भी जो है काफ़ी इसकी अप्रिसिएशन का। सबसे बड़ी बात है यहाँ की मैंने जो नर्सेस हैं वो इतनी एक्टिव रहती हैं, समझो कि 2 बजे रात है उनको ब्लड टेस्ट करना था तो ब्लड टेस्ट करके चली गई, जाती रहती है, अपनी पूरी रिस्पांसिबिलिटी निभाती है। अब ऐसा तो स्वाभाविक है कि रीवा में कहीं नहीं है।